यार आप लोगों को पता है ना कि दुनिया में ऑलरेडी एक बड़ी महामारी फैली हुई है जिसकी कायदे की वैक्सीन बनाने में अभी तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। उसके बावजूद आप लोग ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ ऐसे वाहियात फोटोज़ और वीडियोज़ देख देख के। मेरा तो एकदम से मूड बन गया है कि इनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाए, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास लॉ की कोई डिग्री नहीं है, नहीं तो मैं कूद पड़ता इस मैदान में। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो खाने में कुछ भी बना दे रहे हैं, पनीर के साथ चॉकलेट मिक्स कर दे रहे हैं, पनीर के साथ गोबर मिला के कौन सी डिश बनाए दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी लेटेस्ट देखा मैंने, मैगी के साथ ऐसे प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैगी के साथ अच्छी बात यह है कि उसमें तुमको कुछ अलग से मिलाना नहीं पड़ता, अलग से डालना नहीं पड़ता, वो कंपनी वाले पहले से ही एक पूरा तैयार खाना तुम्हारे सामने भेज देते हैं। तो उसकी ऐसी तैसी कैसे की जाए, इस चीज़ का जुगाड़ लोग लगाया करते हैं। और मैंने देखा मैगी की लस्सी बना रहे हैं, इसके पहले पनीर मैगी, अंडा मैगी, वेजिटेबल मैगी तो आ ही गई थी, यहाँ तक तो झेला जा सकता था, लेकिन ये मैगी की लस्सी, मैगी में दूध डाल के उबाल रहे हैं लोग, कल को मैगी पाव बनाने लगेंगे, भजिया मैगी बनाने लगेंगे, मैगी के पराठे छनने लगेंगे, हो सकता है उसमें गाड़ियों का जला मोबिल निकाल के वो भी डाल दें, उसके बाद फिर मोबिल मैगी पेश कर दें हमारे सामने, ये भी तो हो सकता है। अरे भाई, जब किसी की कल्पनाशीलता कोई और छोर ही नहीं है, हर कोई अपने आप को जेम्स कैमरून बनाने लगा है मैगी की दुनिया का, तो फिर कहाँ जाके रुकेगी ये लड़ाई, कल को चप्पल काट के मैगी में डाल दोगे क्या तुम लोग? बहुत गलत बात है, इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, अब आप कहोगे कि सबसे पहले समोसा भी वैसे ही बनता था, उसमें चिकन और मटन भरा जाता था, लेकिन गरीब लोगों के पास चिकन नहीं होता था इसलिए उसमें आलू भरना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें मटर, पनीर, सोयाबीन और सींग दाने भरने की प्रथा तो हमने शुरू की है ना, ये सब तो उसमें नहीं भरा जाता था। जिन्होंने समोसे में चिकन छोड़ के आलू भरना शुरू किया उनकी बात जाने दो, वो समय और था, उसमें गरीबी की समस्या थी, लेकिन जो लोग ये मैगी के साथ शर्मनाक प्रयोग कर रहे हैं ना, इसमें तुम्हारी अमीरी और घमंड दिखाई दे रहा है। बंद करो ये सब नंगा नाच, ज़्यादा दिन झेला नहीं जाएगा, ऐसा ना हो कि मैगी देख के लोगों के उल्टी आने लगे। प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकिए। अगर आपके घर में कोई, आपके परिवार का सदस्य, आपका कोई दोस्त इस तरह की सड़ियल मैगी बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको तुरंत कॉल आउट कीजिए, उसको बिरादरी से बाहर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दीजिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक बात है ही नहीं, अक्षम्य अपराध भाई। क्या हुआ, ज़्यादा रूड हो गया क्या, इतना जोर से नहीं हड़कना था? अरे फिर क्या करें, आप लोग ही बताओ, अगर ये बीमारी का इलाज अभी नहीं किया गया समय रहते तो ये बीमारी भी इसी तरह कोरोना की जैसे बढ़ती जाएगी ना, और एक बार जब बढ़ गई तब उसके बाद वापस आना नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से इसको लेके सचेत हो जाना चाहिए, और जो लोग भी मैगी के साथ ये गंदे काम कर रहे हैं उनको अभी से बंद करवाना चाहिए। आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए।